दीपिका जी, मैं आपसे नाराज था कि आपने मुझसे बात नहीं की, लेकिन मैं भी तो वही कर रहा था। मैंने आपको आपकी बात कहने का चांस ही नहीं दिया। I'm sorry for that. आपको मेरी आंखों में गर्व नहीं, गुस्सा दिखा। I'm sorry for that too. मैं सिर्फ अपनी हार देख रहा था, आपकी जीत नहीं देखी, उसके लिए भी सॉरी। सबसे ज्यादा तो मैं इस बात से शर्मिंदा हूँ कि मैं आपको अपनी जिम्मेदारी मानकर आपको जिम्मेदार बनने से रोक रहा था। रियली सॉरी फॉर दैट। क्या आप प्लीज मुझे माफ कर सकती हैं? बिल्कुल नहीं, मैं दिल से सच में आपसे सॉरी बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आप बार बार सॉरी क्यों कह रहे हैं? मैं आपको माफ इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि मैं आपसे नाराज थी ही नहीं। क्या है ना कि मेरी वाली को भी मेरे बारे में सारी चीजें पता ही नहीं। आइए, 1 2 3। डॉक्टर साहब, ये या वैसे तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता, बट ये मैंने माँ से सीखा। ये केक आपने बनाया है? यहाँ तो से आइए, केक काटते हैं। कैसी है तू? मैं कैसे भी हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप सीधा सीधा वापस चले जाओ वरना मैं माँ को बुलाकर अरे वो तेरी माँ नहीं है, सास है, सास बावरी। और वो कहते हैं ना, सास जैसे सर चढ़ाए वैसे पटक भी जाए। अगर उसने तुझे नहीं पटका तो मैं उसे बता दूंगी कि तूने मेरी कमरे में से मेरी नींद की गोलियां चुराई थी, दीपिका को रास्ते से हटाने का इरादा है ना तेरा? नानी मैं तो अब तो जैसे मैं कहूं वैसे ही तुझे करना है। मैं यहाँ रहने आई हूँ। अब मैं भी मोहब्बत से मजबूर हूँ डॉक्टर साहब। मैं अपना दिल आपके हाथों में देना चाहती हूँ, कबूल कीजिए। मुझे अगर पता होता कि मेरे वाली इतनी चीज़ी है तो मैं चाइनीज की जगह इटालियन ऑर्डर करता। मेरे वाले भी अभी तक नहीं जानते कि मैं क्या चीज हूँ। मैं आपका ये दिल और आपके दिल की बात है, मैं इसे संभाल के रखूंगा। खाना खा लिया? महंगे रेस्टोरेंट में आया। चलिए तूने चाले यूज करके मुझसे मेरा चिराग चुरा लिया। अब तू देख, मैं तेरी सास और तेरी सौतेली बहन को यूज करके ना तुझसे तेरा सब कुछ छीन लूंगी। तू देखती रहना दीपिका, तुझसे तेरा सब कुछ छीन लूंगी।